दिल्ली कैपिटल्स ने शनिवार को आईपीएल सीजन 13 में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से रौंद दिया। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 179 रन बनाए थे। दिल्ली ने एक गेंद पहले 5 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच आखिरी ओवर तक धोनी की कप्तानी वाली सीएसके के पक्ष में दिख रहा था, लेकिन अक्षर पटेल ने महज 5 गेंदों में 21 रन ठोकते हुए सीएसके के जबड़े से जीत छीनी। देखा जाए तो यह सब कुछ सिर्फ 4 गेंदों में हुआ जो अक्षर पटेल ने आखिरी ओवर में खेली। दिल्ली को आखिरी ओवरों में 17 रनों की जरूरत थी और जडेजा के पास गेंद थी। पहली गेंद वाइड रही जबकि पहली लीगल बॉल को धवन ने सिंगल लिया। इसके बाद तो अक्षर पटेल ने तूफान ला दिया। उन्होंने दूसरी गेंद पर स्लॉग स्वीप पर छक्का जड़ा जबकि तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ पर 6 रनों के लिए भेज दिया। चौथी गेंद पर 2 रन बटोर लिए तो 5वीं गेंद पर छक्का जड़ते हुए अक्षर पटेल ने दिल्ली को दबंग अंदाज में जीत दिला दी। बता दें कि दिल्ली के लिए सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 58 गेंदों में नाबाद 101 रन बनाए। ये धवन का आईपीएल में पहला शतक। अपनी इस पारी में उन्होंने 14 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया। चेन्नई के खिलाफ फाफ डुप्लेसी ने अर्धशतक जमाया और अंत में अंबती रायडू, रविंद्र जडेजा और बेहतरीन पारी खेली। डुप्लेसी ने अपनी 58 रनों की पारी में 47 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्के लगाए। उनके अलावा रायडू ने 25 गेंदों में 45 और जडेजा ने महज 13 गेंदों में 33 रन बनाकर दिल्ली के खिलाफ सीएसके को जिंदा रखा था, लेकिन अंत में 4 गेंदों में मैच पूरे तरीके से पलट कर रख दिया अक्षर पटेल ने। बड़ी बात ये रही कि धोनी देखते रह गए और अक्षर पटेल सीएसके की झोली से जीत छीन कर ले गए। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।